दिल्ली पब्लिक स्कूल बनाम सेट एमआर जयपुरिया स्कूल। ग्रीन जर्सी में दिल्ली पब्लिक स्कूल, उनकी ओर से पहली रेड सुयाश सिंह की कामयाब रेड। वन पॉइंट डीपीएस स्कूल। अच्छी शुरुआत, पहले तीन क्वार्टर फाइनल वन साइडेड मुकाबले थे, उम्मीद है ये टक्कर काटे की होगी। ये है चौथा क्वार्टर फाइनल, इस मुकाबले को जीतने वाली टीम पहुंचेगी दूसरे सेमीफाइनल में, जहां पर उनका सामना होगा लखनऊ पब्लिक स्कूल से। येलो जर्सी में सेट एमआर जयपुरिया स्कूल, 20 सेकंड की रेड, इस मौके पर तोहफा मिला। आदित्य कटियार सेट एमआर जयपुरिया स्कूल के रेडर आउट हुए, दिव्य दीपक जायसवाल इस मौके पर। डीपीएस के चांद और उन्हीं की वजह से उसके हौसला बढ़ते हुए अंश दुबे ने एक पॉइंट लिया यहां पर। ओहो, राइट कॉर्नर से अटैक आया था जयपुरिया स्कूल हितेश श्रीवास्तव का, लेकिन जगह बनाई, चेन नहीं था, सुरंग ढूंढी रेडर ने और आसानी से एस्केप कर लिया इस मौके पर। देखिए किस प्रकार आए थे आदित्य कटियार, जबरदस्त एस्केप और उतना ही जबरदस्त काम इस मौके पर जयपुरिया स्कूल सेट एमआर जयपुरिया स्कूल के डिफेंस का। अंश दुबे घेर लिए गए चारों ओर से। जी हाँ, देखिए कैसे थाई होल्ड किया वहां पर इन ने, राइट इन ने, और फिर पूरी टीम टूट पड़ी। अमन पाल की ये पहली रेस, स्कॉर्पियन किक की कोशिश पहले, कि कोर्ट को कैसा इस्तेमाल कर रहे, दोनों तरफ जा रहे हैं। आखिरकार किक काम आई, लगातार प्रयास किए। वेट सेट एमआर जयपुरिया स्कूल लीड में, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और ये जूनियर्स दिखा रहे हैं छोटी हाइट पर बड़ा फाइट। ग्रीन जर्सी में दिल्ली पब्लिक स्कूल, येलो जर्सी में सेट एमआर जयपुरिया स्कूल, और आज ये स्कूल अपना असली रंग दिखा रही है। पहले ढाई मिनट में ये डिफेंस चल पड़ा है, एकजुट होकर ये डिफेंस खेल रहा है। पोजीशनिंग देखिए राइट कवर की, मौके की ताक में थे और बिल्कुल सही टाइम पर ये टैकल किया गया। चार पॉइंट के लिए, सवा दो मिनट शेष, 1-2, सुपर टैकल ऑन। आदित्य कटियार, एक और पॉइंट यहां पर। आदित्य कटियार की इस रेड की वजह से अब दिल्ली पब्लिक स्कूल ऑल आउट की कगार पर। देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से हैंड टच किया और भी थैंक यू वेरी मच किया, आराम से मिड लाइन के पार। और अब इकलौते अकेले दिव्य दीपक जायसवाल का एस्केप, क्या यह सुपर रेड थी डीपीएस स्कूल। जी हाँ, एकलौता अकेला जूनियर बचा था, तीन पॉइंट यानी कि तीन रिवाइवल। नंबर 1 आउट, जबरदस्त एस्केप, लक्ष्य इनका मिडलाइन की ओर लगातार था, शाबाश मेरे शेर। तीन खिलाड़ी रिवाइव होकर वापस आए कोर्ट पर, और अब जवाबी कार्रवाई भी, एक सुपर रेड से शायद। नंबर 1, जी हाँ, यहां पर रेडर कहते हुए 200 तो मैं 125, क्या जबरदस्त तरीके से। देखिए अमन पाल ने एस्केप किया, पहले किक की कोशिश और फिर अभी मिड लाइन के पार, फिर से ऑल आउट की कगार पर दिल्ली पब्लिक स्कूल, और इस बार ऑल आउट हो जाएगी क्योंकि राइट कॉर्नर से आया ये टैकल। जयपुरिया स्कूल बोनस हासिल जरूर किया दिव्य दीपक जायसवाल ने, लेकिन उसके बाद राइट कॉर्नर से अमन सिंह आए, बाकी डिफेंस के सपोर्ट इस बार ऑल आउट नहीं बचा पाए। 7 पॉइंट का फासला, यह है आखिरी चौथा क्वार्टर फाइनल। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम पहुंचेगी केवीडी जूनियर्स के सेमीफाइनल में। वासुदेव मलिक सोलो टैकल करने गए थे, बैक होल्ड करना चाहते थे, ये स्कोर लाइन सेट एमआर जयपुरिया स्कूल 14-6 से लीड करते हुए दिल्ली पब्लिक स्कूल के खिलाफ इस चौथे क्वार्टर फाइनल में लखनऊ में।
तो रेफरी की सीटी बजती हुई और दूसरा हाफ इस चौथे क्वार्टर फाइनल का शुरू होता हुआ दिल्ली पब्लिक स्कूल के पहले रेड से रेडर सेल्फ आउट रेडर लेकिन सेल्फ आउट हो गए ऐसा लगता है लॉबी में चले गए थे लॉबी क्रॉस टीम इन येलो सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के पास 9 पॉइंट की लीड आदित्य कटियार इनके आज हीरो साबित हुए हैं अमन पाल के साथ और वही हीरो जैसी परफॉर्मेंस आज भी लगातार देखने को मिल रही है वीवो प्रो कबड्डी में अपने फेवरेट सुपरस्टार्स को देखकर ये गुड़ सीखे हैं 10 पॉइंट से पिछड़ रहे हैं यहाँ पर आदित्य प्रताप सिंह बोनस की कोशिश तो जरूर थी लेकिन उसके बाद लालच की लपेट में समा गए बोनस पॉइंट डीपीएस बोनस मिला जरूर लेकिन खुद भी आउट हो गए मल्टी पॉइंट रेड हासिल करनी है सुपर टैकल करेंगे तो 2 पॉइंट मिलेंगे लेकिन एक और कामयाबी 1 पॉइंट जयपुरिया स्कूल और अब एक और ऑल आउट की कगार पर ऑल आउट मुकम्मल 1+2 3 पॉइंट टीम इन ग्रीन दिल्ली पब्लिक स्कूल एक और बार ऑल आउट सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल लगभग टिकट पक्का अब केबीडी जूनियर्स लखनऊ लेग के सेमीफाइनल का 1.5 मिनट शेष फासला 15 पॉइंट का ऑल आउट यानी ऑल इन क्या बाकी बचे 1.5 मिनट में दिल्ली पब्लिक स्कूल वापसी कर पाएंगे मुश्किल है नामुमकिन नहीं सुयश सिंह के नाम ये टच पॉइंट फिर से आदित्य कटियार सबसे बड़ा हथियार सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल का कोशिश जारी एक और पॉइंट मिलता हुआ 2 पॉइंट मिलते हुए आदित्य कटियार को वेट आउट 40 सेकेंड शेष सुयश सिंह की कोशिश नाकाम ये डिफेंस आज बिल्कुल कंजूसी से काम कर रहा है टीम इन येलो अमन पाल ने भी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाया है 1+4 1+4 का डिफेंस एक और कामयाबी 1 पॉइंट जयपुरिया स्कूल अच्छा एस्केप यहां पर अमन पाल का फुर्तीला एस्केप अमन पाल का 28-9 का स्कोर लाइन अब सेंट एमआर जयपुरिया स्कूल के तरफ और उसी के साथ सीटी बजती हुई हमें अपना चौथा सेमीफाइनलिस्ट मिलता हुआ सेंट एमआर जयपुरिया स्कूल ने दिल्ली पब्लिक स्कूल को हरा दिया है 19 पॉइंट के मार्जिन से टीम इन येलो सेंट एमआर जयपुरिया स्कूल की जीत इस चौथे क्वार्टर फाइनल में